अभी जो मेरा आवाज सुन रहे हो वो मेरा असली ऑडियो है, जिसमें मैंने कुछ भी एडिट या कुछ भी नहीं किया। अभी जो मेरा आवाज सुन रहे हो वो शायद आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर लग रहा होगा। इसमें मैंने जस्ट छोटा सा एक ट्रिक यूज किया है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कर देना, ठीक है। एक वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए 70% काम होता है आपका ऑडियो का एंड 30% काम होता है आपके विजुअल्स एंड एडिटिंग स्किल्स। तो प्रोफेशनल ऑडियो कैसे एडिट करें जिससे कि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो, तो पहले सब लोगों का ये गलत फहमी है कि सबको महंगा माइक एंड सॉफ्टवेयर का जरूरत होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अगर आप सोचते हो कि हम कैसे भी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड बाकी सब एडिट में संभाल लेते हैं, तो भाई साहब आप लोग टोटली गलत हो। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे कि आप ऑडियो एडिट कर सकते हो, लेकिन वो सारे बहुत ही फेक साउंड करते हैं। हम तभी ऑडियो को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं जब उसको ज्यादा अच्छी तरीके से शूट किया जाए एंड रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि हम ऑडियो एडिट के समय सिर्फ उसको इनहेंस कर सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर साउंड करे। डोंट वरी, वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे बजट फ्रेंडली माइक्स का नाम बता दूंगा जिससे आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके पास बजट भी नहीं है तो इससे आपको परेशान होने की भी कोई बात नहीं है। अच्छा आपका भाई है ना, इसका भी सलूशन बता दूंगा, तो आज से एक्सक्यूज बंद। आप रिकॉर्ड करने के लिए आपके मोबाइल में जो इनबिल्ट रिकॉर्डर आता है उससे रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे अच्छा खासा रिकॉर्ड हो जाता है। तो सबसे पहले आपके आसपास के एनवायरमेंटल को एनालाइज करो। अगर आपके वीडियो में ऐसा साउंड करेगा तो आपके व्यूअर्स आने से पहले ही भाग जाएंगे। इसके लिए ट्राई करो कि हमेशा लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग को शूट करने की। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने साउंड को एक लेवल अप ले जा सकते हो। अच्छा हमको सिखा दिया है। रिकॉर्डिंग से पहले अपने रूम को लॉक करके 2-3 मिनट पूरे स्क्रिप्ट को एनालाइज करो, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड आपके आवाज में भी सुधार आएगा। स्क्रिप्ट हमेशा पार्ट पार्ट करके लिखना जिससे कि आप रिकॉर्ड के समय ब्रेक ले सको एंड क्लियरली अपना रिकॉर्ड शूट कर सको। नेक्स्ट आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जिस रूम में रिकॉर्ड कर रहे हो वो ज्यादा खाली ना रहे। अगर आपका घर खाली रह गया तो आपके ऑडियो में एको रह जाएगा। नेक्स्ट आपके ऑडियो को एडिट करने के लिए प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिससे कि आप अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। चलिए अब लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, दिखाता हूँ कैसे मैं अपना ऑडियो एडिट करता हूँ। यह है लेक्सिस ऑडियो एडिटर का इंटरफेस जो दिखने में कुछ ऐसा लगता है। अगर आपके पास ऑडियो है एंड आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो ऑडियो है आप यहाँ पे जाके या फिर ये जो फाइल मैनेजर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑडियो नहीं है तो आप सिंपली ये जो लाल बटन है यहाँ पे क्लिक करके अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके इसे एडिट करके बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे है आप लोग? तो सिंपली मैंने एक यहाँ पे ऑडियो ले लिया है, तो आप भी यहाँ पे सुन सकते हैं। इस पे मैंने कोई भी एडिट या फिर कुछ भी नहीं किया है अभी तक। हेलो दोस्तों, कैसे है आप लोग? तो भाई लोग आप लोगों ने सुन लिया, अभी हम इसको एडिट करेंगे। चलिए अब हम इसे एडिट करते हैं। इसको एडिट करने के लिए पहले सिंपली आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद इस इफेक्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इसका नॉइस जो है, जो इसमें अगल बगल का कोई अगर नॉइस होगा तो रिड्यूस करने के लिए ये जो नॉइस रिडक्शन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो ऑडियो सेटिंग किया गया है आपको भी सिंपली ऐसे ही ऑडियो सेटिंग कर लेना है अपने ऑडियो पे एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है इस वाले 3 डॉट पे एंड फिर से इफेक्ट पे क्लिक कीजिए एंड ये जो यहाँ पे इक्वलाइजर या फिर एम्पलीफायर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट तरफ का जितना भी है वो ट्रेवल का है, आप यहाँ पे गामा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो बेस का है, जो आप भी अपने वॉइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। हर किसी का आवाज़ का टोन सेम नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना। मैंने अपने हिसाब से सेटिंग कर लिया है, तो देन क्लिक करते हैं अप्लाई पे एंड देन इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं इफेक्ट में जाके, या जो नॉर्मलाइज का ऑप्शन है यहाँ पे नॉर्मलाइज कर लिया है मैंने अपने ऑडियो को एंड देन सुनते हैं इस ऑडियो को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये वाला जो ऑडियो है उस वाले से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको। इसको मैंने सिंपली अपना जो मोबाइल का जो माइक है उससे रिकॉर्ड किया है। आप इस तरीके से अपना ऑडियो एडिट यहाँ से कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा एडिट हो जाता है। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी वीडियो पे। ये कुछ बजट फ्रेंडली माइक्स है जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इनमें से तो मैक भी एक यूज करता हूँ। इन सभी की बेस्ट प्राइसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप सब लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अलविदा दोस्तों। बिजली क्यों चला गया बे? चंदो, लाइट बिल का पैसा खा गया क्या?